मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है चाय बासा वालों की आवाज को? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपन प्रकाश जी, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास बाबूलाल मरांडी जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जिनको ये सीट जीतने की जिम्मेदारी दी है, ऐसे केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी, दानवे साहब खड़े होकर परिचय कराइए, हमारे भाजपा के प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत जी खड़े हुई है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बहन आशा लाकड़ा जी, श्री हरेश त्रिवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश पदाधिकारी और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सिंहभूम क्षेत्र के और चायबासा के प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करकर, जोहार करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भूमि बाबा तिलका मांझी, वीर तेरंगा खड़िया, शहीद उदू भगत, सीधो कानू, गणपत राय, देवी फूलो जानू, देवी मां की मुंडा की भूमि है। ये सभी वीर आदिवासी ट्राइबल नेताओं को, जिन्होंने अपने जान इस देश के लिए समर्पित की है, ये सभी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कोल्हान का क्षेत्र अनेक आंदोलनों का क्षेत्र रहा है। यहां अपने अधिकार का संघर्ष, अधिकार की मांग बहुत पुरानी रही है और यह क्षेत्र हमेशा देश की आजादी के लिए भी अग्रसर रहा है। अभी सन 57 की क्रांति का बिगुल फूका भी नहीं था, तब 19 नवंबर 1837 में सेरंगसिया घाटी में 400 अंग्रेजों की टुकड़ी को पोटाहो के नेतृत्व में यहां पर बड़ी लड़ाई लड़कर उसका सामना किया गया, मगर बाद में जनवरी 38 में धोखे से अंग्रेजों ने पोटाहो, नारा हो, बुढ़ाई हो, उनको पकड़ा और फिर फांसी पे चढ़ाया। इसके बाद वो
कोड़ा हो और पड़ुआ हो को भी फांसी पर चढ़ाया। आज भी न केवल हो जनजाति के वीर हुतात्माओं को, न केवल कोल्हान क्षेत्र, मेरे गुजरात तक पूरा देश नमन कर उनके सम्मान के साथ उनको याद करता है। यही धरती के अंदर इतनी बड़ी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा पड़ी है कि पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती है, परंतु हमारे समय में पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में थे तब बहुमत पूर्ण नहीं मिला, रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत सब प्रकार के काम शुरू किए, मगर उसके बाद में यहां पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर रख दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है। इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों के जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, 21 बेटियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए, कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था, गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इसे जिता। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नई निहारों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया। ये चायबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन, कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही
नौकरी देंगे तो चायबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो, हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पर। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती, पर आपने तो आदिवासी होकर ये काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाईबासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया, सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जब इनकी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की सरकारें चलती थी, यहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया। और आज मैं कह रहा हूं 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। मित्रों, 2022 में लोहरदगा में हमने एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। इसके तहत बूढ़ा पहाड़, बिहार का चक्रबंधा, भीमबंधा, वहां के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर सीआरपीएफ ने एक निर्णायक जीत हासिल की और उसके साथ साथ वहां स्थायी कैंप भी लगाए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल मून और ऑपरेशन चक्रबंधा, तीनों ऑपरेशन ने वामपंथी उग्रवादियों की कमर तोड़कर रख दी। और मैं आज झारखंड के लोगों को कहना आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही समय में ये वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जाएगा और झारखंड में विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई, पहले अटल जी के नेतृत्व में बनी, फिर झारखंड वालों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई, हमने हमेशा
जातीय गौरव को और जनजातीय सम्मान को प्रागृत की। आजादी के 70 साल बाद भी एक भी जनजातीय व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ था। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया है और मोदी जी ने द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सिलेक्ट कर कॉलेजों ने उनको चुनकर भारत के संविधान में एक नया इतिहास लगाया। हमने आदिवासी कल्याण के लिए जो बजट कांग्रेस की सरकार जनजाति योजनाओं का 21,000 करोड़ का छोड़कर गई थी उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ किया है। ये अर्जुन भाई बैठे हैं यहां पर, जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1,30,00,000 आदिवासी भाइयों बहनों के घर में पीने का पानी पहुंचाया है। 1,45,00,000 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनजातीय कल्याण के लिए कमिटमेंट। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरा देश अब आदिवासी जनजातीय गौरव दिन के रूप में मना रहा है और जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा भगवान बिरसा मुंडा को न केवल जनजातीय भाई बहन पूरा देश सम्मान के साथ 15 नवंबर को याद करे। इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज मैं चायबासा के क्षेत्र के लिए अपना एक दुख लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खदानों के क्षेत्र में और विशेषकर आदिवासी भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया था। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्राथमिक सूत्र था कि वो इसके लिए कल्याण होगा, इसके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा जहां पर खदानों के कारण आदिवासी भाई बहन विस्थापित हुए। दुकुल मिलाकर देश भर में 63,858 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आया और झारखंड के हिस्से 8,301 करोड़। रघुवर सरकार थी तब तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर जैसे ही हेमंत सरकार आई उसने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के सारे नॉर्म्स बदलकर यहां पर उन्होंने इसमें एमपी एमएलए डीएमएफटी फंड में मनमानी योजना बनाकर खर्च किया और वहां पर लूट खसोट करने का कार्यक्रम करा है। मुझे बताएं चायबासा वाले, मोदी जी ने जो फंड आदिवासियों के लिए भेजा है, ट्राइबल के लिए भेजा है, जनजातीय भाइयों बहनों के लिए भेजा है, ये इनकी लूट कसोट के लिए हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? आप इसके साथ सहमत हो क्या? अरे हेमंत जी, चायबासा की आवाज सुन लो, ऐसा मत समझिए जनजातीय भाई बहन कुछ देखते नहीं है, समझते नहीं है। आपकी ये जेब भरने की योजनाएं उनको सब मालूम है। जब आप मैदान में आओगे चुनाव के, तब मालूम पड़ जाएगा।
क्षेत्र के अंदर घुसपैठ के माध्यम से, शादियों के माध्यम से जमीन हड़पाने का जो प्रयास चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और अब इसके खिलाफ संघर्ष भी कर रही है। मोदी सरकार ने झारखंड के लिए ढेर सारे काम किए हैं, आयुष्मान भारत योजना, 90 लाख से ज्यादा लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14 लाख से ज्यादा आवास लाभार्थी, किसान सम्मान, 27 लाख से ज्यादा लाभार्थी, फसल बीमा योजना, 44 लाख से ज्यादा लाभार्थी, उज्ज्वला योजना, 33 लाख माताओं बहनों को गैस देने का काम किया, 40 लाख शौचालय देने का काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया, बाबा की नगरी देवधर में एम्स का निर्माण शुरू किया, देवधर, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ साथ टाटा के डालभूमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है, पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया, रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया, हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए, चाईबासा और कोडरमा में बन रहे हैं। भाई मैं तो लंबी सूची आपको बताया, हेमंत भाई एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे झारखंड के लोगों को बता देना। ऐसा मत मानिए भाई कि उसने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने आदिवासी जमीन घुसपैठियों को देने का काम किया है, उन्होंने जनजातीय महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना तय किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया था, चाईबासा के लोगों का मूड मैंने देखा है, मुझे पक्का भरोसा है कि 24 में सिंहभूम सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती। मोदी जी ने इस देश के गरीबों का कल्याण किया, कोविड के सामने सुरक्षा दी, कोविड से जिन लोगों का नुकसान हुआ था, 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम किया, देश को सुरक्षित किया, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया और झारखंड सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो, बाबूलाल जी लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है, झारखंड की जनता परिवर्तन। मुझे बताइए आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जोर से अंत तक बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यहां पर सिंहभूम सीट पर कमल खिलाएंगे, अरे जोर से बोलिए, पीछे तक खिलाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार बदलेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी